बीएससी गणित के प्रथम वर्ष के सभी आगंतुक विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर केशव शर्मा सह आचार्य हूं गणित विषय का। हमारे यहां कोटा यूनिवर्सिटी में बीएससी प्रथम वर्ष में 3 पेपर होंगे। प्रथम पेपर, फर्स्ट पेपर अमूर्त बीजगणित का है, सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस एवं इंटीग्रल कैलकुलस, थर्ड पेपर 3D ज्योमेट्री सदिश कलन एवं 2D ज्योमेट्री है। ये कुल 3 पेपर हैं। मैं प्रारंभ में सेकंड पेपर आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें यूनिट में डिवाइडेड है, अपने 5 यूनिट हैं। मैं आपको आंशिक अवकलन का सर्वप्रथम अध्ययन करवा रहा हूँ। अवकलन ये वर्ड हम पढ़ के आए हैं, हमारे लिए अनजान नहीं है ये शब्द। जब हम पूर्व में अवकलन पढ़ के आए हैं तो वहाँ अपने पास इस तरह के फलन थे y = f(x)। ये जो x है ये स्वतंत्र राशि है, जबकि ये परतंत्र राशि है, आश्रित चर है। x में परिवर्तन करेंगे तो y में भी परिवर्तन होगा। जब हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अपन ने क्या लिखा है, dy/dx। इसका मतलब क्या है, लिमिट x में परिवर्तन डेल्टा x हो यदि वो टेंड टू 0, y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन, इसको अपन ने क्या लिखा, dy/dx लिखा। दो बार करेंगे तो हमने लिखा d2y/dx2, 3 बार करेंगे d³y/dx³, 4 बार करें, 5 बार करें, तो ऐसे ही अपने होते जाएंगे। लेकिन यहां अपने पास स्वतंत्र चरों की संख्या 1 से अधिक होने पर, यानी ऐसा हो z कोई आश्रित चर है जो कि 2 स्वतंत्र चरों x और y का फलन है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं अपने पास, x और y। तो जब अपन z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y अचर रहेगा, और जब y के सापेक्ष z का आंशिक अवकलन करेंगे तो x अचर रहेगा। जब x के सापेक्ष करते हैं तो अपन लिखते हैं del/del x। इस स्थिति में क्या होगा, y को अचर मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है। जब y के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो del z/del y रखेंगे, इस स्थिति में क्या होगा, x अचर रहेगा। ठीक है ना, ये del बोलते हैं अपन, d नहीं, क्या वो लिखेंगे, del। इसी तरह से दो बार करें तो del2z/del x², 3 बार करें, 4 बार करें, इसका करें तो del2z/del y² ऐसे। इसका जब y के विद रिस्पेक्ट करें तो लिखेंगे del2z/del y/del x, या इसका करें x के सापेक्ष तो del2z/del x/del y। जब z संतत फलन होता है तो ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, यानी z का पहले x के विद रेस्पेक्ट आंशिक अवकलन, फिर y के विद रेस्पेक्ट आंशिक अवकलन, या पहले z का y के विद रेस्पेक्ट आंशिक अवकलन, फिर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। केवल इतना सा चेंज है। अब मैं एक छोटे छोटे से उदाहरण देके आपको
इस आंशिक अवकलन के बारे में बताता हूं। सवाल अपने पास है, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस y स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y, तब इसका मान ज्ञात करना है। डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, यानी पहले y के विद रेस्पेक्ट फिर x के विद रेस्पेक्ट। तो इसका u का, u किस किस का फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। पहले u का y के विद रेस्पेक्ट करेंगे फिर x के विद रेस्पेक्ट। जब y के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो x को अचर मानकर y के सापेक्ष, तो डेल यू बाई डेल वाई x अचर है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का पता है ना, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स करें तो क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले यहाँ टेन इनवर्स का करना है, x की जगह यहाँ क्या है, y बाई एक्स है, तो वन अपॉन वन प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर y का y के विद रेस्पेक्ट एक हो गया x, ऐसा कैसे ही, माइनस वाई स्क्वायर का टू वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ऐसा कैसा, फिर प्लस लेकिन ये माइनस इसके कारण आ जाएगा ना, माइनस ये माइनस तो माइनस वाई स्क्वायर वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर फिर एक्स अपॉन वाई का, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ अपन ने लघुतम ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक एक्स से एक्स कट गया, एक एक्स ऊपर बच गया, और एक्स स्क्वायर मेरा, तो क्या हो गया ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ इसको पहले लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर लघुतम लिया, यहाँ आया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कट गया, क्या आया एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इनमें से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, एक एक्स भी कॉमन, तो यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो कट गए, तो केवल क्या बचा एक्स अपॉन, केवल एक्स बचा, तो एक्स माइनस टू वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। लेकिन हमें अब क्या करना है, जो वैल्यू आई ना डेल यू अपॉन डेल वाई, उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, वाई को अचर मानना है। तो डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स का एक्स के विद रेस्पेक्ट वन माइनस टू वाई टेन इनवर्स का किया वन अपॉन वन प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस इन टू एक्स का वन हो गया, ये एक्स अपॉन वाई का भी करना है ना, एक्स का एक्स के विद रेस्पेक्ट वन वाई, ऐसा कैसा। अब यहाँ देखिए लघुतम लिया, वाई स्क्वायर हो गया, ये एक वाई से वाई कट गया, ये वाई से वाई यो कह दो, ये कट गया, तो वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लघुतम ले लिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही अपने को ज्ञात करना था। एग्जाम्पल टू पे आते हैं, एग्जाम्पल टू इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये दे रखा है अपने को एक्स की घात एक्स इंटू वाई की घात वाई इंटू जेड की घात जेड इक्वल टू सी, एक्स बराबर वाई इक्वल टू जेड पर सिद्ध कीजिए कि इसका मान ये होगा। अब देखो इसको देखने से क्या पता लग रहा है, जेड फंक्शन है एक्स वाई का, एक्स वाई स्वतंत्र है जेड परतंत्र है, तो सबसे पहले इसमें इसका भाग दे देते हैं अपन, जेड अपॉन जेड जेड रेस्ट पावर जेड इक्वल टू सी अपॉन एक्स रेस्ट पावर एक्स इंटू वाई रेस्ट पावर वाई, लोग ले लेते हैं तो जेड लोग जेड, या इसने एक काम किया पूरा ही एक साथ इसका ही लोग ले लिया, आगे घात आ जाती है एक्स लोग एक्स प्लस वाई लोग वाई प्लस जेड लोग जेड इक्वल टू लोग सी। अब सबसे पहले डेल जेड बाई डेल वाई करें, तो वाई को चर मान के एक्स के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वन प्लस लोग एक्स प्लस वाई का जीरो, जेड का वन हो गया, फिर लोग जेड का वन लोग फिर
जेड का डेल जेड बाई डेल एक्स हुआ, फिर प्लस लोग जेड का वन अपॉन जेड इसका किया है। देखो ये है एक्स लोग एक्स प्लस जीरो प्लस जेड लोग जेड इक्वल टू लोग सी, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट पार्शियली एक्स का एक्स के विद रेस्पेक्ट वन लोग एक्स ऐसा कैसा, फिर प्लस एक्स ऐसा कैसा लोग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस जेड का डेल जेड बाई डेल एक्स लोग जेड ऐसा कैसा, फिर प्लस जेड ऐसा कैसा लोग जेड का वन अपॉन जेड जेड लोग जेड का और फिर जेड का डेल जेड बाई डेल एक्स और ये सी कॉन्स्टेंट है। यहाँ से ये एक्स एक्स कटा क्या आया वन प्लस लोग एक्स प्लस यहाँ इन दोनों में से ये कॉमन आ गया तो क्या आया वन प्लस लोग जेड और डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का मान आया माइनस वन प्लस लोग एक्स अपॉन वन प्लस लोग जेड। यदि अपन वाई के विद रेस्पेक्ट करते तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाता वाई हो जाता, तो यानी अपन ने ये ज्ञात कर लिया डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू वन प्लस लोग एक्स अपॉन वन प्लस लोग जेड इक्वेशन नंबर टू। इसी प्रकार y के विद रेस्पेक्ट करें तो ये आ जाएगी जहाँ x है वहाँ क्या हो गया y आ गया, क्लियर। अब क्या कह रहा है डेल जेड बाई डेल वाई का x के विद रेस्पेक्ट, यानी समीकरण तीन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y कॉन्स्टेंट रहेगा, तो डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू ये x के सापेक्ष कर रहे हैं तो वन प्लस लोग वाई कॉन्स्टेंट है ना, ये इसका करेंगे तो माइनस वन अपॉन वन प्लस लोग जेड का होल स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर वन का जीरो लोग जेड का वन बाई जेड और फिर जेड का जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, तो ये आ गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू वन प्लस लोग वाई अपॉन जेड इंटू वन प्लस लोग जेड का होल स्क्वायर और इसका मान समीकरण दो से रख दिया माइनस वन प्लस लोग एक्स अपॉन वन प्लस लोग जेड। अब क्या कह रहा है वो वाई और जेड की जगह भी क्या रखेंगे एक्स, तो पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो हमें ये प्राप्त हो गया ये ऊपर वाला स्टेप ही दोबारा लिख दिया वन प्लस लोग एक्स वन प्लस लोग वाई वन प्लस लोग जेड का होल क्यूब। अब जैसे ही एक्स और वाई की जेड की जगह वाई की जगह एक्स लिखा जेड की जगह एक्स लिखा तो ये आ जाए ये दोनों कट जाएंगे एक पावर रह गई यहाँ पे माइनस वन अपॉन जेड की जगह एक्स वन अपॉन वन प्लस लोग एक्स। अब ये वन को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं ना वन को लोग ई ई, तो ये जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये अपने को सबका बेस क्या दे रखा है ई ई जेड, तो ये हो गया लोग ई ई प्लस लोग ई जे एक्स लोग ई प्लस लोग ई एक्स और यहाँ पे लोग की प्रॉपर्टी हो गई तो क्या हो गया वन अपॉन एक्स लोग ई एक्स, यही अपने को प्रूव करना था इसी का मान ज्ञात करना था। अब उदाहरण नंबर तीन यहाँ दे रखा है यू इक्वल टू लोग वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, वेरीफाई करना है कि पहले आप y का u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो फिर x के, या u का x के सापेक्ष करो फिर y के विद रेस्पेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले log हटा के e टू द पावर u इक्वल टू वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, अब इसका सबसे पहले y के विद रेस्पेक्ट कर रहा हूँ x इस समीकरण एक लिख दिया है इसको डिफ्रेंशिएट वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो e टू दी पावर यू ही रहा u का डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट है साइन x का हो गया कोज x प्लस x का x के विद रेस्पेक्ट वन साइन y कॉन्स्टेंट है। अब क्या कर रहे हैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, अब अपन किसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसी का y के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं एक का,
तो e टू द पावर u, अब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो e टू द पावर u डेल टू u बाई डेल y डेल x इक्वल टू y के विद रिस्पेक्ट किया ये 1 हो गया cos x प्लस साइन y का cos y नंबर 2। अब समीकरण 1 का y के विद रिस्पेक्ट करूंगा फिर x के विद रिस्पेक्ट, तो उसका मान निकालेंगे यही आ जाएगा e टू द पावर u डेल टू u बाई डेल y डेल x इक्वल टू cos x cos y, ये दोनों बराबर हैं e टू द पावर u कट गया तो ये दोनों भी बराबर होंगे, यही अपने को सिद्ध करना था। अब आपको घर जाके एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7 सातवा इम्पोर्टेंट है, मैं ही बताऊंगा आपको एग्जाम्पल 7 में बताऊंगा इम्पोर्टेंट है, 8वां 9वां में बताऊंगा। आपको घर जाके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में बताऊंगा, 9 में बताऊंगा, 10 को इसको खोल लेंगे सारणी को पहले और फिर डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे 0 आ जाएगा। पहले इसको सारणी को खोल लेना आप, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जेड जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई और फिर इसका डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे। ये आपको सवाल करने हैं क्वेश्चन नंबर 18, तब होगा जब मैं आपको एक बार क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 बताऊंगा तब होगा, तो आप ये सवाल करना फिर अपन इससे आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे।